हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चटपटा सा ब्रेड का नाश्ता। इसके लिए मैंने लिया हुआ है एक छोटा सा गाजर, एक मीडियम साइज प्याज और एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च, एक हरी मिर्च, एक लाल मिर्च, क्योंकि चिली फ्लेक्स नहीं है मेरे पास तो उसकी जगह मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ, और थोड़ा सा धनिया का पत्ता, और ये 2 चम्मच दूध की मलाई है। इसमें जो है सारी सब्जियों को मिलाएंगे और आधा चम्मच नमक है। सारी सब्जियों को मैंने इस चॉपर में चॉप कर लिया है और अब हम इसको इस मलाई में मिला देंगे, और ये जो आधा चम्मच नमक है ये भी। और इसमें ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला देंगे और थोड़ा सा ऑरिगेनो। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके ब्रेड स्लाइस पर लगाकर तब हम इसको घी लगाकर तवे पर सेकेंगे, या मक्खन भी लगा सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और गैस को ऑन करके तवा गर्म कर लेंगे, और इस बैटर को एक ब्रेड पे इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। जिस तरफ हम ये बैटर लगाएंगे उसे हम ऊपर रखेंगे। आप इसे घी में सेकिए या मक्खन में सेकिए, ये आपकी मर्जी है। अब हम दूसरे पर भी इसे अप्लाई कर लेंगे। अब इसे हम धीमी आंच करके थोड़ी देर एक तरफ से क्रिस्पी कर लेंगे, फिर दूसरे तरफ पलट कर भी इसे सेकेंगे। ये हमारा एक तरफ से क्रिस्प हो गया है तो अब हम इसे दूसरी तरफ से सेक लेंगे, मीडियम लो पर इसे सेकेंगे। घी हम ऐसे किनारे किनारे दोनों तरफ इधर भी डाल देंगे।
हमारा ये ब्रेड अब तैयार हो चुका है। इसे लो फ्लेम पर ही सेकेंगे तो ये दूसरी तरफ से भी सारी सब्जियां इसकी पक जाएंगी। इसमें जितने वेजिटेबल पड़े हुए हैं वो भी पक जाएंगे और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। सुबह चाय के साथ या सॉस के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा नाश्ता, ब्रेड का चटपटा नाश्ता तैयार है। तो आप भी इसे एक ट्राई दीजिए और आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताइए।